दोस्तों, बाइबल में यिर्मयाह 29:11 में लिखा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। दोस्तों, अगर आप परमेश्वर और उनके एक मसीह विश्वासी से किए हुए वादों पर, उनके वचनों पर विश्वास करते हैं, तो फिर परमेश्वर के वादे, उनके वचन आपके जीवन में जरूर पूरे होते हैं, और कई बार आपकी एक्सपेक्टेशन से भी बड़े बड़े काम परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में करते हैं। भले ही हम परमेश्वर के सामने अपने कई साल पहले की गई प्रार्थना को भूल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें उन प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। और ऐसा खुद मेरी लाइफ में भी हुआ है कि कैसे परमेश्वर ने मेरे जीवन में मेरी एक्सपेक्टेशन से भी बढ़कर काम किए और अपने वादों को मेरे जीवन में पूरा किया। इसलिए आप हमेशा परमेश्वर के प्रति ईमानदार और वफादार बने रहिए और प्रार्थना करते रहिए। परमेश्वर का हर वक्त हर समय धन्यवाद करते रहिए। परमेश्वर हमेशा आपके संग रहते हैं और आपकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, और समय आने पर आपको उत्तर भी जरूर देंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सलमान खान की मदर, जिनका नाम हेलन है, कैसे उन्होंने एक बहुत बड़े टीवी शो में, जिसका नाम द कपिल शर्मा शो है, वहाँ पर जाकर अपनी टेस्टिमनी सबको सुनाई और परमेश्वर के नाम को सबके सामने उन्होंने महिमा भी दी। हालांकि कॉपीराइट इशू होने के कारण मैं आपको इसकी पूरी वीडियो नहीं दिखा सकता, लेकिन कुछ सेकंड की वीडियो क्लिप मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें उन्होंने ये कहा है। Yes, praise the Lord. Because of that, I'm here now. God was great. Praise the Lord. दोस्तों, इस शो में उन्होंने सबके सामने अपने जीवन में कैसे परमेश्वर ने उन्हें गरीबी से बाहर निकाला और उनके लिए सब कुछ मुहैया करवाया और उनकी एक्सपेक्टेशन से भी बढ़कर उन्हें ब्लेस किया, इसके बारे में उन्होंने बताया है, जिसकी वीडियो का लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, आप वहां से इसे देख सकते हो और उनकी इस टेस्टिमनी के बारे में जान सकते हो। दोस्तों, परमेश्वर की निगाह में हर एक इंसान, क्या बड़ा क्या छोटा, हर कोई एक समान है। परमेश्वर सबके लिए दयावंत है। इसलिए आज अगर कोई अपने जीवन में कमी या घटी का सामना कर रहा है लेकिन मसीह में बना हुआ है, तो आने वाले समय में परमेश्वर उसे राजा बनाने की भी सामर्थ्य रखते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।